स्वागत करबाई एक किसी समय मध्य लेटेस्ट इनफॉरमेशन सब प्रथम पाइपे तेज चलते फ्रेंड्स आज संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। 23-31 जाए बंद रहा विद्यालय राज्य आसंता 23-31 पर्यंत बंद रहा समस्त विद्यालय बड़दिन एवं धानखंड छुट्टी जो विद्यालय बंद माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्ष एने छुट्टी तालिका प्रकाश कर कौन छात्र छात्री और शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालय आसपारे ना मोट 9 दिन रविवार सह विद्यालय बंद रहवर्त खबर मोदी को नवीन चिठी पीएम आवास योजना फनी प्रभावित को मिल पक्का घर आवास योजना नहीं पुणी प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फनी बातें क्षयति होता घर को नहीं चिठी उल्लेख करते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ओडिशा 1.84 लाख घर प्रभावित हो सहित फनी द्वारा प्रभावित हो न 13 लाख घर केबीके अंचल आवश्यकता रही चिठी उल्लेख रखिंट मुख्यमंत्री। परवर्त खबर राज्य में आउ 4 मास मिल मागणा राशन एने सूचना दे मुख्यमंत्री राज्य खाद्य निरापत्ता योजना नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज एक बड़ घोषणा करते हिताधिकारी मानक आउ 4 मास अतिरिक्त चाउल दिज्व मुख्यमंत्री कहते मुंडपिछा मसक 5 केजी अतिरिक्त चाउल मिल घोषणा कर डिसेम्बर और मार्च मस जाए मागणे मिल अतिरिक्त चाउल तेज यह उपाय 9,15,000 हिताधिकारी उपकृत हेबे एथिपे राज्य खर्च कर 68,13,00,000 टंका राज्य कोविड स्थित को आखि आगे रखी एभली एक बड़ निष्पत्ति पीएम किसान योजना समस्त चाषीों पर आसला बड़ अपडेट कृषक को मिलवाक जाऊँ 4,000 टंका ईकेवाईसी नक आकाउंट को आसबना पीएम किसान योजन टंका कृषक मान मिलवाक जाऊँ पीएम किसान योजना 10 किस्तर टंका प्राय 12 कोटी कृषक खाता को यह अर्थराशि जा ईकेवाईसी न कले अर्थराशि आकाउंट को आसब ना बोली नियम प्रणयन कर पीएम किसान योजना 2021 पूर्व राशन कार्ड बाध्यतामूलक करतमान ईकेवाईसी बाध्यतामूलक निजर ईकेवाईसी पूरण न कले 10 किस्तर अर्थ आकाउंट को आसब ना बोली सरकार स्पष्ट करवर्त खबर महिला आसीगला खुशी खबर समस्त महिला को मिल 5,000 टंका उपकृत हेबे पूरापूरी 4,00,000 महिला पश्चिमबंग पर गोआर सरकार गढ़ा तत्परता देखाई पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्वाचन जितने महिला मानक 5,000 टंका प्रदान करोषणा कर दीदी से कहते जदि गोआर टीएमसी सरकार हुए तेज समस्त महिला खाता को 5,000 टंका दिज्वर पूरापूरी 3,50,000 महिला उपकृत हेबे मासक 5,000 अर्थात वर्षक 60,000 टंका योजना अधिकारी मान को दिज्व यह योजना नाम गृहलक्ष्मी बोली घोषणा करा जाय छे। परवर्त खबर सरकार लागू कले नुआ नियम एवं कर्मचारी को मिल 3 दिन छुट्टी कर्मचारी का फायदा पाई सरकार नुआ नियम जारी करिछन्दि एवं कर्मचारी ऑफिस सप्ताह को मात्र 4.5 दिन करिवे काम यह खबर निश्चित भाव ऑफिस कर्मचारी को खुशी करदेव संयुक्त राष्ट्र आरब अमीरात बा यूएई सरकार कर्मचारी का पाई यह नियम जारी करिछन्दि एठार सरकार एक साप्ताहिक कार्यसीमा को आहुरी कमाई माने ऑफिस कर्मचारी साप्ताहिक 5 दिन ए आहुरी कम दिन काम करेंगे। परवर्त खबर पिलांकर ऑनलाइन गेमिंग अभ्यास को नहीं अभिभावक एवं शिक्षक पर जारी है नुआ गाइडलाइन पिला ऑनलाइन गेमिंग विपदर रक्षा करने केन्द्र सरकार अभिभावक एवं शिक्षक मैं एडवाइजर जारी करते गेम डाउनलोड करने समय व्यक्तिगत सूचना न देवा पर्सनाल मेसेजिंग कि ऑनलाइन चैट माध्यम कौन से अपरिचित व्यक्ति जोगाजोग न करने को परामर्श दीजिए यह व्यतीत पिलामानको ऑनलाइन निजर असल परिचय लुचेबा को परिवर्तित नाम को प्रयोग करने पर रोक लगाने को गाइडलाइन कहुच्छे। परवर्त खबर 10 राज्य को केन्द्र सतर्क बार्ता 10 राज्य 27 जिले जोर से बढ़ुच्च कोरोना एने सतर्क जारी कले केन्द्र सरकार कोरोना मामला वृद्धि नहीं केन्द्र सरकार ये पूरा अलर्ट मोड्रे कोरोना नुआ भेरिएंट ओमिक्रॉन आतंकित परिवेश भितर राज्य सरकार को बारंबार चेतावनी केन्द्र कोरोना तृतीय लहर विपद भितर केन्द्र सरकार पक्ष 10 राज्य 27 जिला को चिठी लिखा जाए चिंता प्रकाश कर चिठी राज्यगुड़ को स्थित उपर नियंत्रण रखा एवं सचेतनतामूलक पदक्षेप आपणवा कहुच्छे। परवर्त खबर जवाब क्षयक्षतिर हम आकलन
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଜବାଦର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ଟିମ୍ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 8 ସହରୀ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ପାଣି, ସିଏଚ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇଲେ ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଣିର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ସିଏଚ୍। 2016-17 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳନୀତି ଲାଗୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 2019 ନଭେମ୍ବରରୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସନ୍ଦେହ।